हाँ सीधे आ जाओ, टेढ़े आ जाओ, जैसे दिल करे आ जाओ, नो टेंशन। ये रौनक क्यों खत्म हो गई भाई? सांप आ रहे थे भाई, सांप आया होगा, आप डर गए थे। आपका वो घर वाला किधर रह गया? वेलकम जी, वेलकम, आ जाओ, तशरीफ रखो। ये देखें जी, ये है बकरा, इसको हमने इधर रखा हुआ है, इसको खुराक वगैरह भी दे रहे हैं, और ये इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है जी। ये देखें, ये हो गया खीरा साहब, ये खालती, ओ सॉरी, ये हो गया वो टमाटर, और ये कुछ बचे कुछ हो गए, चटनी वगैरह हो गई और रायता वगैरह हो गया। सामान सारा ले लिया है, ये कुछ एक आइटम जो मेरा जाती था, मतलब मेडिक है, वो नहीं मिले जी। हमारे जो मसाला जाते हैं वो कट गए हैं, ये देखें ग्रीन मिर्च। अब्दुल गफूर, ओए क्या खा रही हो? वाह जी वाह, माशाल्लाह टमाटर खा रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी अपनी लाइफ इन्जॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एक फ़ायदा दिखाऊंगा आपको, कि फ़ायदा कैसे होता है जब ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो फ्री होने का सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें, ये वाला पौधा भी कितनी अच्छी तरह आ रहा है। और इसके साथ अलावा मैं एक और चीज़ आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये इसकी नई नई कॉम्पलें चेक करें, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा दबाव में थे जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो भी करेंगे और अपने मतलब दरख्त बनेंगे, दरख्त इंशाल्लाह। मौसम कुछ यूँ है, हल्के हल्के से बदल हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ख़ास। तो अभी चलते हैं सीधा किराना पे, जुमा नमाज पढ़ ली थी, तकरीबन अभी 3 बजने वाले हैं, 2:30 बजे तक जुमा नमाज होती रहती है। तो अभी चलते हैं और जो सामान मिलता है हमें वो ले आते हैं। ओके, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारा अब लग रहा है, ज़बरदस्त A1 हो गया। अभी इधर अहमद भाई के घर में पहुंच गए हैं और आपको पता है, अस्सलाम वालेकुम। सुना है आपकी तबीयत कुछ ढीली ढीली है? क्या यार, क्या हो गया? दिन काट रहे हैं बस। अच्छा, कोई दवाई वगैरह ले आया? उम्मीद है टूट गई अब तो यार। किस चीज़ से ठीक होती तबीयत? हो जाएगी, रेगुलर रहो, दवाइयों के साथ ना रेगुलर रहो, इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। दवाइयाँ तो खत्म कर गया मैं, अब कल से मैंने डबल डबल दवाइयाँ खाना शुरू कर दी, इसी वजह से कोई तबीयत कर ज्यादा बिगड़ रही है। रिलैक्स हो के सुकून के साथ दी है जी, बस बे जरूरत दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ग्लूकोज भी आप अपने लिए ले आए हो क्या? ग्लूकोज थे और भी बहुत सारी है जो पानी में मिक्स करके खानी होती है। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। इधर अफजल भाई, तो आज आपको किसी ने दावत के लिए इनवाइट तो नहीं किया ना? इधर कोई नहीं किया। हाँ तो फिर जो 5 भाई है ना, इनमें से अभी किसी ने बुलवाया नहीं, भी आपने खाना हमारे घर आके खाना के। चलो कोई नहीं, मैं हाजिर हूँ। तो असर से और मगरब से पहले, असर हाँ। के बाद मगरब से पहले, असर के बाद। हाँ अच्छा, मगरब से पहले, असर के बाद। मेरी तरफ से आपको खाना हो गया, ठीक है, दावत हो गई, तो आपने आना है। ओके, सिर्फ अकेले मैंने आना है विद द फैमिली। अच्छा, आपकी जो फैमिली उधर से आई हुई है ना, आपकी घर वाली हो गई, आपकी बेटी हो गई, आपके वो दामाद हो गए, सबको इनवाइट है, क्योंकि बड़े आप हैं, वहाँ से आप ले आए ना, तो मैंने सोचा डायरेक्ट आपको ही बोल देता हूँ, काम ही खत्म। ये वाला दामाद नहीं आएगा क्या? ये वाला देखेंगे, अभी सामान वगैरह ले आए ना, फिर देखेंगे, अगर गुंजाइश है इसको बुला लेंगे, वैसे भी इसकी तबीयत खराब रहेंगे सब बार। अच्छा, अम्मी और अब्बू को भी मैं बुलाता हूँ। अच्छा, बाकी ये 2 बज गए? हाँ, ये 2 बजते हैं। सुबह बात हो रही थी कि खाना बनाया गया, अम्मी आएगी, अब्बू आएगी, ये सारी फैमिली आ जाएगी, तो इन 2 का ये खाते नहीं है ना? खाते चलो सही है जी। ओके जी, तो अहमद भाई आपने भी आ जाना है, ठीक है? असर के बाद, मगरब से थोड़ा पहले। ओके, क्योंकि दिन दिन में हम कर लेंगे, मौसम आजकल खराब हो रहे हैं ना, टाइम और टाइम से हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने, जो आपने बोला था वही पका रहा हूँ, ठीक है? ये रिश्तेदार चावल, चावल। ओके, हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, तकरीबन लाहौर में भी, सिंध साइड पे भी, पिंडी में भी, नारायण कगान, हर जगह पे हो रही हैं।
हल्के पतले ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत कम वगैरह वगैरह। इधर अभी तक बारिश आई नहीं है, डेली बेस पे बदल आते हैं कुछ इस तरह से फिर चले जाते हैं। तो आज दुआ भी की है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश दे दे। और मौसम वैसे काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, साइडों पे जब बारिशें वगैरह होती है ना हवा चलती है लाहौर साइड की, ये देखिए लाहौर साइड की चल रही है इधर से, तो जब ये लाहौर साइड की हवा चलती है तभी यहाँ पर मौसम जो है ना बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, कुछ कुछ ठंडा हो जाता है, क्योंकि जहाँ से बारिश ज़्यादा हो रही हो वहाँ से बुखारात तो उसमें से गुजरती हुई हवा माहौल बना देती है। हाँ जी वकार अहमद किधर जा रहे हो? हैं सामान लेने। क्या क्या सामान लेना है याद है आपको? हाँ जी। क्या क्या है बताओ? चावल और रिश्तेदार। चावल और रिश्तेदार। हाँ जी। अच्छा फिर वो आप खाओगे? हाँ जी। शौक से? हाँ जी। ओके तो जी रिश्तेदार और चावल लेने जा रहे हैं, वो खाएंगे इंशाल्लाह। आपने खाना और टाइम पहुँच जाए क्योंकि हम सामान लेने जा रहे हैं, जब तक हम सामान लेंगे आप आ जाएंगे फिर खा लेंगे। ओके आ जाओ जल्दी जल्दी, ये देखिए ये भी भाग के जा रहे हैं। सब्जी वाले के पास पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है यहाँ से सब्जी वगैरह मैं लेता हूँ। इधर भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं। तबीयत सेहत नहीं आती? 85,000 दिए सुबह। आ जाएं देखते हैं जी। वाह जी वाह इतना बड़ा प्याज, आपके इलाके में अगर इतना बड़ा प्याज हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है? हमारे यहाँ माशाल्लाह इतना बड़ा प्याज आ गया। तो यहाँ से जो चीज़ें लेने वाली हैं वो है जी, ऐसा करें प्याज का क्या रेट है? प्याज का है 80 रुपये। 80 रुपये किलो। 1 किलो प्याज। टमाटर हैं अच्छे वाले? हाँ वाकई अच्छे वाले हैं। तो टमाटर भी उसका क्या रेट है? 120। सोच लें फिर मैं दोबारा ऊपर नीचे नहीं करूँगा। ओके अच्छा ये आधा किलो सॉरी किलो टमाटर और किलो प्याज, दो आइटम हो गए। बाकी ये आपको बताता हूँ साथ में, ये इनका इनका वजन करें, साफ सुथरे सलाद के लिए काम आने हैं, कुराड़े कुराड़े रखने हैं, नरम नहीं होने चाहिए। प्यारे व्यूअर ये देखें प्याज, ओ सॉरी वो प्याज तुल गए हमारे और साथ में टमाटर वगैरह वो भी तुल गए। अब आती है अगली बारी किस चीज़ की? हाँ खीरा है, खालती है? खालती खालती का नहीं पता। हम जहाँ पर रहते थे ना जतोई में, उधर हमारा मौजा था खालती, उसी मौजे के अंदर एक कौम है खीरों की, वो रहते थे, खालती भी रहते थे खीरे भी रहते थे। वही मैं पूछ रहा हूँ, खीरा है तो साथ में खालती भी होगा? हाँ खालती भी है। चलो सही हो गया। तो ऐसा करें मुझे खीरा क्या रेट है? 70 रुपये। 70 रुपये किलो। यार किलो किलो तोल दे खीरा, लेकिन वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, नरम नरम सलाद के लिए काम आएगा। अच्छा इसके बाद धनिया वगैरह है? धनिया वगैरह है माशाल्लाह। तो बाकी का जो मसाला है अदरक मिर्चे सब्ज मिर्चे हैं वो भी कुछ दे दें। क्या रेट है मिर्चों का? 30 रुपये पाव। अच्छा 1 पाव मिर्च दे दें साथ में। हाँ रिश्तेदार, कौन सा रिश्तेदार है? शुगर फ्री। यार वो 1 नंबर चाहिए। असल है ये? असल नहीं है ना, मुझे पता है ये चावलों में घुस जाएंगे उसको भी मीठा कर देंगे। नहीं करेंगे मीठा, नमकीन है। रिश्तेदारों का अब यकीन नहीं रहा जरा भी, 3-3 वैरायटियां निकल आई हैं। शुगर फ्री है, इसको शुगर है, इसको डीपी वो क्या होती है टीबी, इसको टीबी है, इसको यरकान है वगैरह वगैरह। अब पता नहीं कौन सा रिश्तेदार लेकर जाऊँ घर में। चलो देखते हैं यार इसका रेट क्या है रिश्तेदारों का? तुम्हारा 100 रुपये किलो लगेगा पूरा 1 केजी। चलो दे दें, चेक करते हैं, अगर इन्होंने गड़बड़ की दावत है ना तो फिर सारा सिस्टम सारा निज़ाम मेरा चट है। चलो कोई नहीं 1 किलो दे दें, दूसरा मिसाला जात भी बना दें, अदरक वगैरह धनिया वगैरह अच्छा खासा डाल देना है, सही है? ओके हो गया जी प्यारे व्यूअर, ये सारा माहौल अब ओके हो गया, सारी चीज़ें आपने सुन भी ली हैं, ये आइटम मैंने लिए हैं। इसके अलावा नींबू, नींबू पड़ा है घर में? नींबू आपके पास है? मैं अपना सोच रहा हूँ कि घर में हैं कि नहीं, शायद हैं पड़े। ओके हो गया जी, ओके हो गया, ये भी 1 केजी हो गया माशाल्लाह। सामान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया बस। हाँ खीरे, खीरे भी 1 केजी है, खीरा 1 केजी, टमाटर 1 केजी, प्याज 1 केजी, आलू 1 केजी, बाकी ऊपर मसाला है वो देख लें। रेट उसने मुझे बताया है
फिर मैं हिसाब करता हूँ। वो वाला जो सब्ज सामान था वो तो हमारा हो चुका है, अब आ गए हैं किराना शॉप पे, इधर से जो सामान लेने वाला है वो लेते हैं। भाई चावल वो है अपना चिलगोजा, अच्छा कौन सा है अच्छे वाला, कैनात पुराने उसका, अच्छा कैनात हो गई एशिया है, चिकन क्यूब है, चिकन क्यूब नहीं वो भी नहीं पता। चलो देखते हैं जो चीज़ मिलती है वो लेते हैं, बाकी देखेंगे क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए सामान सारा ले लिया है, ये कुछ एक आइटम जो मेरा जाती था मतलब मेडिक है वो नहीं मिले, बाकी तकरीबन मिल गया है माशाल्लाह। चलो भाई पैसे जितने बनते हैं वो काटने बकाया दे दो। दही ले के वसीम आ गया है, ये देखें कितने लिया है, 300 की सही हो गया, 200 से कम होगी, फिर पीछे से लिया कहता आप 500 की ले। खैर अभी आपने इधर क्या करना है, कुछ करना नहीं। कुछ नहीं करना, हाँ जी। चलो फिर ले चलो घर, बगैर आपने भी सामान उठाना है, इधर बहुत सामान रखा है, चलो आ जाओ। चलो, चलो। कुछ सामान मैंने उठा रखा है ये देखें, कुछ कुछ वसीम ने उठा रखा है और कुछ कुछ वकार ने उठा रखा है, हाँ जी। अभी चल रहे हैं वापस, सामान सारा अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, बस मेडिकैम 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 नहीं मिले। ये देखें जी सामान इधर रख दिया, ये चेकिंग चेकिंग शुरू हो रही है, हाँ सही है। इधर देख ये साबुन लगाओगे, अच्छा ये वाला, अच्छा वो तो सुनाओ, ये इसको इधर रखो, वो तो सुनाओ, पाकिस्तान तुर्की तुर्की। असलम भाई के घर का काम यहाँ तक पहुँचा, ऐरे वगैरह लग गए हैं, अभी तक उनमें ना वो ईंटें वगैरह नहीं लगाई गई, तकरीबन अजीब सा बना रहे हैं। ये एक कमरा है फुल बटा फुल, आगे ये बरामदा है, बस इतना ही है ना, मज़े हैं, हर कोई अपने हिसाब की सेटिंग वेटिंग करके ना काम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही है माशाल्लाह जी। हमारे जो मसाले जाते हैं वो कट गए हैं, ये देखें ग्रीन मिर्च, ये टमाटर्स वगैरह, प्याज वगैरह, रिश्तेदार ETC, और चावल हमारे ये आ गए, अब इसमें डाल के ना इनकी धुलाई होगी। खुशी चेक करें इसके ना, खुशी चेक करें, खुशी चेक करें, अब्दुल गफूर, ओ अब्दुल गफूर क्यों कर रहे हो, हंस रहे हो, माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफूर मेरे अब्बू का नाम है। हाँ तो फिर क्या हुआ, आपको अब्बू का नाम दे रहा हूँ आपकी बेटी को, कितनी इज्जत वाली बात है। अब्दुल गफूर ओ नहीं आता जेड़ा ड्रामा है, अब्दुल शपूर मैं खैर इधर बुला रहा हूँ। ये उसके क्या हो गई, क्या हो गई, पोतरी पोती पोतरी, अच्छा वो ना मैं चावल वगैरह बना रहा हूँ, इन भाई साहब ने कहा था चावल बना लो, तो वो बना रहा हूँ, तो आपने आ जाना है मगरिब से पहले असर के बाद, ठीक हो गया, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार डाले हैं, मुझे लगता है वो जो रिश्तेदार मैं ले आया हूँ ना, आज का रिश्तेदार को पता ही नहीं चलता कि कोई किसी को शुगर है, किसी को यरकान है, किसी को टीबी है, मतलब वो नहीं होता है शुगर फ्री है, ये मीठा है, ये कड़वा है, बस जो मिला वो ले आया। मैं देख रही थी जो आप ले आए थे ना, हाँ वो मीठे हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये शुगर का मरीज है, शुगर वाला ले आया था, और ये पता नहीं था कि बस जो भी चल जाएंगे। चलो सही है, अब खाने तो हैं, आकर क्या करें, सही है, वो कई रिश्तेदार है, उन्होंने घुसना ही घुसना है, चाहे गोश्त हो चाहे जो भी चीज हो उन्होंने घुसना है। अब्दुल गफूर खुश हो रहे हो, आप हंसते क्यों, हंसते क्यों, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। चलो जी खैर इसको भी इनवाइट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पता है ना ये अब्बू जान का शूज है इसीलिए उठा रहे, चलो उठा के चलो घर, वो बॉडीगार्ड पीछे है, जाओ ये देखें जी ये है बकरा, इसको हमने इधर रखा हुआ है, इसको खुराक वगैरह भी दे रहे हैं, और ये इसलिए यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि ये उधर से आ जाता है तो हमारे पौधे खा लेता है, तो इसका जो मालिक है हमने उसे बोला है कई बार
कि यार इनका ख्याल करें, इनको बांध के रखा करें, कोई ले जाएगा फिर आप बोलेंगे हमारा बकरा गुम हो गया। इसी वजह से ना हमने बांध के रखा है कि इसका ढूंढने वाला कोई तो आएगा फिर उससे बातचीत करेंगे। पहले भी बहुत सारे नुकसान इन्होंने किए हैं हमारे, आ जाती हैं घर में। सही है, अभी खुराक खा रहा है, देखते हैं इसका मालिक कौन है। तो प्यारे व्यूअर फैमिली फैमिली देख सकते हैं आप, रिश्तेदारों को फुल बटा फुल जलाया जा रहा है, उनको भूना जा रहा है। हाँ अब मजे करो मजे करो, शाबाश, जलो जलो सारे। दुआ कीजिएगा कि ये जो काले काले बदल आ रहे हैं ये आ जाएं तो और ही मजा आ जाए। इनमें बारिश है, लगता तो नहीं है कि इनमें बारिश है, लेकिन खैर देखते हैं। कोई ना, आ रहे हैं। नीचे नीचे कुछ भी नहीं है, फ्री है बिल्कुल माहौल, इसी वजह से बारिश नहीं आती। माशाल्लाह जी मेहमान जो है ना वो दरवाजे में इंटर हो चुके हैं। आ जाएं जी, वेलकम वेलकम, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। हाँ सीधे आ जाओ, टेढ़े आ जाओ, जैसे दिल करे आ जाओ, नो टेंशन। ये रौनक क्यों खत्म हो गई भाई? सांप आ रहे थे भाई, सांप सांप आ रहे थे। हाँ जी, एक आधा आया होगा, आप डर गए थे। आपका वो घर वाला किधर रह गया? वेलकम जी वेलकम, आ जाओ तशरीफ रखो। इधर बैठना है या किसी और जगह पे? माहौल अभी मैंने बनाया नहीं है। वालेकुम सलाम, आ जाएं आ जाएं, वेलकम वेलकम वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये माहौल हमने बना दिया है माशाल्लाह जी, और मेहमान भी पहुंच गए हैं माशाल्लाह, अबू जान भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, भूख लगी वदिया क्या ना? बात नहीं, बन जाएगी, जिन्हें खाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं दुआ मंगता खड़ा, मुझे भूख लगी खड़ी हो गए, चंगे चावल खा गए ना तकड़े। हाँ ये नुकसान करता था ना, सारा दिन इधर आ जाता था, पौधे वगैरह खा लेता था। हमने कई बार रोका है उनको लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमने आज बांध दिया, पता तो चले है किसका, इसलिए बांधा हुआ है, अभी तक कोई आया नहीं है। माशाल्लाह जी मेरे बेटों की तरह ये देखे, ये भी माशाल्लाह। अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, ओए क्या खा रही हो? वाह जी वाह, माशाल्लाह टमाटर खा रही है। और इसको देखो, ये जब मैं इसके सामने आ जाऊं बस ये देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, पता नहीं क्या सोचा हुआ है। शुक्र है इसको बात समझ आ गया, अब इधर उधर देखने लग गया। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी ये देखे मेहमान लोग जो है ना तरतीब के साथ बैठ गए हैं। और अभी खाने में ना तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट देर है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैंने उसी टाइम बोला था कि आप पहुंच जाएं जल्दी जल्दी जब मैं सामान लेने जा रहा था, आप नहीं पहुंचे, अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, मिल बैठ के खा लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी ये देखें, ये हो गया खीरा साहब, ये खालती, ओ सॉरी ये हो गया वो टमाटर, और ये कुछ बचे कुछ हो गया, चटनी वगैरह हो गई और रायता वगैरह हो गया। भाभी जान जल्दी जल्दी नबेड़ा करें हैं जी भाई, अंधेरा हो रहा है ना। मिनट सिर्फ, सूरज देखें वो जा रहा है, तैयार कर दिए, सिर्फ रायता बनाना है, वो भी सिर्फ मिक्स करना है, बस अभी बन जाता है। चलो इंशाल्लाह, रोनी रोनी खिलाओ खिलाओ खिलाओ, क्या बात, दही खिलाओ दही खिलाओ दही खिलाओ, बस 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 है, नहीं खाती। प्यारे व्यूअर फैमिली फैमिली, लास्ट जो हमारे हैं प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाले हैं। ये देखें दम भी ओपन हो रहा है, अभी ओपन किया जा रहा है। माशाल्लाह चावल और बीज में रिश्तेदार, बाकी माहौल सारा ओके है, बच्चे लोग भी बैठ गए, अबू जान भी बैठ गए, मेहमान भी बैठ गए, बस मैं खड़ा हूँ, मैं बैठने वाला हूँ, थोड़ी देर तक बैठ जाऊँगा। मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, थोड़े थोड़े बदल हैं बस। फ्रेंडली प्यारे व्यूअर ये देखें माशाल्लाह, अब चावल भी लगा दिए गए हैं, ये देखें ऐसा ऐसा करके सारा जितना भी मटेरियल था वो सारा आ रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा रहा है, नो टेंशन। आखिर ऐसा ऐसा जो चीज़ आती है फिर वो प्यारी लगती है। माशाल्लाह चावल देखें बड़े ज़बरदस्त बन गए, खाना खाना शुरू कर दें, नो टेंशन, खाना शुरू कर दें। अगर ये देखें माशाल्लाह अब खाना जो है ना वो स्टार्ट हो गया है, अब थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, पूछते हैं कि खाना कैसा बना है, चाहे जैसा बना हो बोलते हैं कि जी अच्छा बना है, चलो आज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, खाया है? हाँ। अच्छा अफजल भाई आप अभी खा रहे हो? पहला लुकमा खा रहा हूँ। खाओ खाओ खाओ,
बहुत ही अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू जान भी खा रहे हैं, बच्चे लोग भी खा रहे हैं सारे। हाँ कैसा लगा? माशाल्लाह ओके हो गया जी। तो मुझे भी भूख लगी हुई है, मैं भी कहीं पर जगह बनाता हूँ और बैठ जाता हूँ। अभी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मुलाकात होगी अपनी। ओके, अगर खाना खाना हो तो आ जाओ हमारे साथ। प्यारे व्यूअर, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। और खैर तो है, किधर जा रहे हो? मैं यार वो बोतल मंगवा रहे हैं ना, बोतल मंगवा रहे हैं। इधर चाबी दो असलम भाई के घर, बोलो के बोतल निकाल के दो, 1.25 लीटर वाली ना बोतल ले आओ। अबू जान बैठे, बोतल पी के जाइएगा। क्यों? चलो ठीक है माशाल्लाह। तो कुछ लोग बोतल पियेंगे, कुछ नहीं पियेंगे, इसलिए ना बस एक ही बोतल मंगवाई है, ज्यादा बोतलें नहीं मंगवाई। कोई किसी चीज की कमी हो तो बताना। और काफी है। काफी है? हाँ। अच्छा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से चावल पूरे हो गए और बच्चे भी हुए हैं आपके लिए। आप आ जाएं खा लेते हैं साथ। माशाल्लाह जी बोतल भी आ गई है, ये देखें। अभी ना देना शुरू करते हैं सबको इंशाल्लाह। सही है, दो दो हम करीब आ जाते हैं। आ जाएं जी, वेलकम वेलकम, पी लें, नो टेंशन होकर पी लें। और टाइम भी वैसे तकरीबन मगरब होने ही वाली है, जो मैंने टाइम दिया था फिट है ना भाई, मगरब से थोड़ा पहले असर के बाद। और काम हो गया फैन। हाँ गर्मी भी नहीं है, माहौल भी है, ये टाइम बड़ा जबरदस्त होता है, अंधेरा भी नहीं होता, वीडियो बन गई। और मगरब का अभी टाइम होने वाला है, नमाज का टाइम भी बच गया, और उजाले में ना वो गर्मी भी नहीं है, मौसम बिल्कुल VIP, ये टाइम बड़ा जबरदस्त होता है। इसने जी सबको दे दी है, आप खुद पी रहे हैं माशाल्लाह। वो ना जो देने वाला होता है ना उसको बचती नहीं है, मैंने कहा मैं पी लूं फिर देना शुरू करूंगा। चलो सही हो गया माशाल्लाह, अच्छी बात है। माशाल्लाह जी सारे लोग चले गए, अफजल भाई फाइनल जो है ना बोतल पी रहे हैं। काली है कोका कोला। अच्छा माशाल्लाह, पिए ठंडी ज्यादा है, गर्म करके पी रहा हूँ। हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आज वाला व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखिएगा क्योंकि अजान होने वाली है, नमाज का टाइम होने वाला है। आप भी नमाज़ पढ़िए, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा। अल्लाह हाफिज़।